ओम शांति। 21 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम सभी प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट के द्वारा यूट्यूब पर लाइव और इसके साथ साथ हम 5 बजे से 6 बजे तक शाम को सहज राजयोग कोर्स पर भी मंथन करते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात है, आप पूछ सकते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में आप सामने देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप लिखकर अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक गूगल मीट पर जुड़ने का ले सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी सुझाव कोई भी प्रश्न आता है, आप इस नंबर पर लिखकर व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो हम उसे इसी चर्चा में शामिल करेंगे। आप सभी के सहयोग से साथ से हम सबका लाभ होगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न, जो एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या है, उनकी निशानी क्या है। उत्तर, नंबर एक, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कौन है, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी होने का मतलब है कि मैं भी आत्मा हूं और ये सब भी आत्माएं हैं, सब भी आत्माएं हैं और हम सब आपस में समान हैं, हम सब आपस में समान हैं, बराबर हैं, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। तो जब हम बराबर हैं, हमारा संबंध भाई भाई का है, हम सब आत्माएं एक ही बाप के बच्चे हैं, तो हमारा आपस में बहुत लव होगा, सदा खीर खंड होकर रहेंगे, हम सब आपस में मिलजुल करके रहेंगे। नंबर 3, धारणा बहुत अच्छी होगी,
धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। उनकी दृष्टि कैसी होगी? बहुत मीठी। सबके साथ वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार कुशल होंगे, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि देह अभिमान आने का मतलब है विकार आना। किसी भी प्रकार का विकार उनके जीवन में आ नहीं सकता, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, अहंकार भी उनको नहीं आ सकता। कोई को भी दुख नहीं देंगे, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, रूह कहेंगे तो जीव निकल जाता है, क्योंकि जीव आत्मा है। तो रूह कहने का मतलब आत्मा, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। हम सब आत्माओं को रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है, हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी। तो क्या होता है आत्म अभिमानी और क्या होता है परमात्म अभिमानी? हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा अभिमानी बनना अपने आप को शुद्ध स्वरूप की स्मृति में रखना। जब हम शुद्ध स्वरूप की स्मृति में होते हैं तो हमारा पांच चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती। मैं आत्मा, ठीक है कि नहीं? और मुझ आत्मा का जो सोचना है, देखना है, सुनना है, बोलना है, करना है। और ये आत्म अभिमानी हम बन भी तब सकते हैं जब हम परमात्म अभिमानी बने, क्योंकि बिना परमात्म अभिमानी बने हम आत्मा अभिमानी नहीं बन सकते। दुनिया वाले आत्मा 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 कहते आए, आत्मा पर घंटों भाषण करते आए, परंतु कभी अपने को आत्मा अनुभव नहीं किया। वो आत्म अभिमानी बन ही नहीं सकते जब तक आत्मा अनुभव ना करे। सुना, समझा, जाना, परंतु अनुभव नहीं किया। अब परम पिता परम आत्मा ने आकर हमें अनुभव कराया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का सुप्रीम गाइड, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर,
सुप्रीम सतगुरु, मैं आया हूं तुम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। मैं ही आकर तुम्हारा यथार्थ परिचय देता हूं और अपना भी परिचय देता हूं। बिना परमात्मा के कोई भी ना तो आत्म अभिमानी बन सकता है और ना ही परमात्म अभिमानी बन सकता है, क्योंकि अब तक आत्मा समझा तो स्वयं को ठीक रीति यथार्थ रीति ना पहचानने के कारण, परमात्मा को ठीक रीति ना जानने के कारण उन्नति होने की बजाय गिरती कला में गिरते 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 आज एकदम तमो प्रधान पतित बन गए। ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को फिर से आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी आकर बनाते हैं और हमें ये नशा, ये खुशी, ये उमंग उत्साह रहता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। यहां और वहां में बहुत फर्क है। यहां है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात ही नहीं। यह हर एक अपने को आत्मा समझता और बाबा हमको पढ़ाते हैं इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है, बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते। बाप कहते हैं मैं बल इस शरीर में हूं परंतु मेरी ये असुल की प्रैक्टिस है, मेरी ये असुल की प्रैक्टिस है, मैं बच्चों को आत्मा ही समझता। परमात्मा कहते मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं। जैसे हमारे बच्चे ने, हमारा बच्चा है स्थूल में दुनिया में देखते हैं, हम उस बच्चे को ही देखेंगे ना। अब चाहे उसने ड्रेस कैसी भी डाली हो, धोती कुर्ता डाल लिया हो, पैंट कमीज डाल ली हो, सूट सलवार डाल लिया हो, हम ड्रेस को देखेंगे कि बच्चे को देखेंगे? हमारा ड्रेस से कोई मतलब नहीं। तो ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी सिर्फ हम आत्माओं को देखते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं। परंतु हमें 63 जन्मों से ये आदत पड़ गई है, हम शरीर को देखते हैं, हम आत्मा को देखना भूल गए। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं, आत्मा को पढ़ाता हूं, भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है, पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है, अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, ये ज्ञान क्या है, सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं तो धारणा भी होगी, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता, ऐसे नहीं कि इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे। जब तक आप शरीर में हो कर्म तो करते हो और कर्म जो भी करते हो शरीर समझ कर करते हो, तो नहीं
आत्मा समझ करके तो कर्म करते नहीं। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, अंत में जाकर विक्रमाजीत बनते हो जब आपकी प्रॉपर अभ्यास हो जाता है कि हमने आत्मा भाई को ही देखना है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंचते ऊंच बनना है, ऊंचते ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहां जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल ना सके, मिल ना सके, यहां तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते, यहां तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहां करने से आदत पड़ जाएगी, यहां प्रैक्टिस ये करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपने अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहां तुम आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं, कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है, ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट है, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी, फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा, मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों को आपस में बहुत लव हो जाएगा, भाइयों भाइयों को आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं, बाप की महिमा को तो जानते ही हैं, जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंस। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए, श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए। बल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना, सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं, विशाल दिन में क्या क्या कमाया, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि
तुम जानते हो हम सब भाई भाई खीर सागर की तरफ जा रहे हैं। खीर सागर माना सुख की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। ये है विशेष सागर। ये क्या है? तुम अभी ना रावण राज्य में हो, ना राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तुम कहां हो? बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, देखना है कहां तक हमारी वह भाई भाई की के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, धंधा आदि करने के लिए क्या है, कह दिया है। लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। याद की यात्रा भी क्या है, जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। याद की यात्रा के लिए टाइम निकालने का क्या मतलब? याद की यात्रा मतलब ये अटेंशन हो कि मुझे अपने आप को सुधारना है। और सुधारने से पहले क्या करना होगा? अपनी कमियों को चेक करना होगा। जब तक हमें अपनी कमी पता नहीं लगी, हम सुधारेंगे क्या? हम जब ये समझेंगे कि मैं तो बस बन गया ब्रह्मा कुमार पक्का पक्का, फिर हम अपनी कमियों को देखना बंद कर देते। मेरे जैसा तो कोई रहा ही नहीं, फिर हम अपने को सुधारना बंद कर देते। सुधारेंगे तो तब जब हम अपने आप को चेक करेंगे। यात्रा करेंगे तब जब हमें पता हो कि हमारी मंजिल क्या है। हमारी यात्रा बिना मंजिल के नहीं हो सकती। हो सकती है, हाँ। जब हमें अपनी मंजिल का पता नहीं, हम सवेरे बैठे याद में 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बैठा, क्या फायदा हुआ? हमने कुछ सुधारा ही नहीं, हम आगे बढ़े ही नहीं। हमारी मंजिल पता नहीं किधर जाना है। हमने सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप में परिवर्तन करना है। अपनी एक एक गंदी आदत को बदलना है। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। हर एक अपने अपने तरीके से सेवा करता है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहां ऐसे बाप को याद करना होता है। बड़ी युक्ति से लिखो कि हम यहां इस प्रकार से बाप को याद करते हैं। एक दो को भाई भाई समझना होता है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में देवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं, अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है?
तुम समझा सकते हो, तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वे भी जानते होंगे, ये किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वे खुद ही समझते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूं कि मैं ऐसे ऐसे आता हूं, किसके तन में आता हूं, इसमें मूझने की बात नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है, एक मैं ही आता हूं, एक में ही आता हूं, ये नहीं कि मैं सब में आता रहूं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस लाइन को पकड़ लेते, मैं एक में ही आता हूं, वो कहते हैं मम्मा में दादी में कैसे आ सकते हैं, बाबा तो एक में आते हैं, बाकी बता। जिस समय ये साकार मुरली चली, पार्ट चेंज हुआ, तो फिर आए ना दादी के तन में, और फिर बाबा मुरली में कहते बच्चे, साकार मुरली में कहते बच्चे, यदि सामने वाला होशियार है, मेरा बच्चा उसे समझाने में असमर्थ है, तो मैं उसके तन का आधार लेकर अपना काम कर लेता हूं। ये ब्रह्मा बाबा ने पहले ही पहचान लिया था गुंजाल दादी को, कि भाई इसकी जो दृष्टि है ना, ये सेवा करने की, तो ये भी अनुभवी रखता है। वे मुरबी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। हां जी, इनको बुद्धि में टच होता था, इनको जो पहली पहली जो आत्माएं थी, जो 14 साल वनवास करा था, मतलब एक जगह किसी से नहीं मिलने दिया, तो ये पक्के हो गए थे। साहिब भाई जी, सारी बातें ठीक है, परमात्मा का ये कार्य है, 14 साल तक 15 साल तक जो भी ये भट्टी में रहे, सारे एक जैसे नहीं थे, उनमें से वो भी थे कि जिन्होंने साक्षात्कार किए, ये सब कुछ किया, वो भी छोड़कर चले गए थे ना, उनका भी पार्ट था। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और ये सब भी बाबा के, बाबा जानते हैं कि ड्रामा अनुसार होना है, तो किसने आना है, किसने जाना है। और बाबा ने धन लिया, बाबा को, बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा के थ्रू जो भी डायरेक्शन मिलते उनके अनुसार चलना था, कि ऐसे भी भाई बहनों ने धन दिया हुआ था, और जाते वक्त उनको, बाबा को तो शिव बाबा को मालूम था ना कि उनका धन रखा रहा, जब जाने लगे तो उनको दे दिया, ये लो भाई जाओ ले जाओ अपना धन, ये भी किया। ये बाबा का शरीर टूटा था, तो ये मतलब ये सब कहते थे, मतलब बाद में कि अब हम मुरली कौन सुनाएगा मुरली, सबको था भाई, ये तो कोई एक की बात थोड़ा, वो तो सबको था, साक्षात्कार कराया था किनको, दादियों को, भाइयों, मेरे भाई बाबा ने आके मुरली चलाई, मेरे भाई ये मैं सुनो भाई, तो फिर मतलब इनको साक्षात्कार कराया था ना, मैंने जो मुरली लिखी थी ना उन्हीं को रिवाइज कर। बाबा ये साक्षात्कार क्या होता है आपको बताया, जानना, कोई चित्र आके नहीं दिखाया, बाबा ने आके मुरली चलाई, साक्षात्कार का मतलब है भाई जी, फिर वही बात है, पता नहीं अब क्या सुन के आए हो, मुझे नहीं मालूम, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बाबा ने आके मुरली चलाई 21 तारीख को, और 18 को श्री छोड़ने के बाद पहली बार जब आके मुरली चलाई, तो आके कहा कि सभी भाई बहनों के मन में, बुद्धि में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि अब क्या होगा,
अब कैसे होगा, बाबा तो चले गए, अब कैसे चलेगा, मुरली कौन चलाएगा, हम यहाँ क्या करने आएंगे मधुबन में। ये संकल्प चलते थे, उन सभी संकल्पों का 21 तारीख को पहली बार दादी के तन में आकर ये समस्या समाधान किया, आके सुनाया। बाकी ऐसे नहीं कि दिखा दिया अलग अलग सबको, ना, ऐसे नहीं। हाँ, साक्षात्कार का मतलब जानना, साक्षात्कार ऐसे नहीं कराया कि ठीक है बैठे हो कि भी अब ऐसे करना है, अनुमान लगाए, नहीं। बाबा ने आकर स्पष्ट किया कि एक साल पहले जो आपने मुरली पढ़ी थी क्या आपको याद है, अब आप इन मुरलियों को रिवाइज करना और मैं इस संदेशी के तन में आकर मिलता रहूंगा। ऐसे कोई अलग से साक्षात्कार सबको नहीं कराया, ये सीधा आके स्पष्ट किया, समझाया कि अब पार्ट इस प्रकार से चलेगा। फिर वही पहले नंबर में आते हैं, इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके, समझाने की युक्ति चाहिए, अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके, और दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो, यथार्थ योग कौन सिखला सकते, यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ढेर आ जाए, इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। कितने बड़े जो आश्रम ना दुनिया में बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े महंत, कितने बड़े बड़े सतगुरु बैठकर बना अपने नाम लिखे हुए हैं, महामंडलेश्वर बने हुए हैं, ये सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं और ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं है। इतनी सब संस्थाएं किसकी हैं, भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं है, तब ही तुम्हारी विजय होगी, तब ही तुम्हारी क्या होगी, विजय होगी। ये भी तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते, बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो, कैसे किसको लिखत में समझाना है, कैसे किसको लिखत में समझाना है, ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है, सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण और इस तरफ है राम, रावण पर तुम जीत पाते हो, वे सब हैं रावण, वे सब क्या हैं, रावण संप्रदाय, तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो, भक्ति का कितना शो है, जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है, कितना खर्चा करते हैं, कितनी डूबते मरते हैं, यहां तो ऐसी बात, वो तो मेले में जाते हैं ना, फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानती सुनंती औरों को सुनावंती पवित्र रहंती, पवित्र भी रहते हैं, फिर भी ओ माया तेरे द्वारा हार खावंती, कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खवंती भी होते, माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है, भक्ति को तो हिलना ही है, भक्ति को तो क्या है,
हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रलब्ध भोगते हो, आधा कल्प तुम प्रलब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है, उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं फिर देवता तो रहे नहीं, विकार में जाते हैं तो फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, शास्त्रों में लिख दिया कि देवता वाम मार्ग में गए। कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। ये भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो, उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद ये नशा रहता है, घर जाने के बाद वे नशा रहता है। निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद स्तावे, याद स्तावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं, तुम जानते हो हमारा बेहद का टीचर साजन आदि सब कुछ है, सबसे दुख मिलता है, सबसे क्या मिला दुख। उनकी एवजी में बाप हमें सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो, इस समय तब सुख के संबंध में बंध रहे हो। कैसे बंध रहे हैं हम सुख के संबंध में? जब हम अकर्म कर रहे तो हमारा बन रहा है सुख का संबंध। आत्मा समझकर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो बन रहा है सुख का संबंध, अकर्म सुख का संबंध। और जब हम देह समझकर कर्म करते हैं तो बनता है कर्म बंधन, कर्म बंधन विकर्म। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, मूल बात क्या है? अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा, याद से क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए हैं, अब बाप आया है वापस घर ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, देवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता, सुख नहीं आता, तर्पण लग जाती है, यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो। जहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं।
तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहां कहां से आते हैं, आदि कहां कहां से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते, निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानी की है, देवताओं की भी ग्लानी की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, किसी को दुख तो दे नहीं सकते। यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना, क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वे भी भाई है, उनमें भी आत्मा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। ये बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है, ये बच्चा नहीं जिसे बच्चा कहते हो ना, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। आपका बेटा, उसको बेटा नहीं समझो, वो आत्मा तुम्हारा भाई है। हाँ, चाहे वो छोटा चाहे दो दिन का बच्चा है, वो भी तुम्हारा भाई है। अब वो किसी भी रिश्ते से आया है, परंतु जन्म लेने से पहले वो भी बुढ़ा था। हाँ, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, बच्चा है आप उसको मारो, मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा, ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, वास्तव में ऐसी बातें है नहीं। ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं, बाकी श्री कृष्ण को क्या प्रभाव पड़े, बाकी श्री कृष्ण को क्या प्रभाव पड़ी है। माखन की ये महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, तो महिमा करेंगे सुल्टी, तुम महिमा करेंगे सुल्टी। तुम कहेंगे वे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम था, परंतु ये ग्लानी की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। दे अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम
खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है, गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं, जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने, विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है, जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है, अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान निमित और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान, निमित बनने और निर्माण रहने वाले, निमित बनने और निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित भाव धारण करो, इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी, कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्य वंशी में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? सूर्य वंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें 4 नहीं। ओम शांति।